विंटर स्पीति करना हर किसी का सपना होता है और ये सपना हम लोगों ने करीब 13 बार जिया है, लेकिन इस बार हमारी विंटर स्पीति ट्रिप पर कुछ ऐसा हुआ जो हमारी सोच से परे था। करीब 40 घंटे तक हम लोग बर्फीले तूफान में फंसे रहे, वो भी बिना लाइट और पानी के। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि विंटर स्पीति में क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और ये है विंटर स्पीति एक्सपीडिशन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिलहाल हम लोग है काजा में। कल शाम को हम लोग आ गए थे, अपने साथ स्नोफॉल भी लेकर आए थे। और आप मेरे पीछे देखिए, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, काफी खतरनाक, कल से ही हो रही है। और ये हमारी दीदी, ये यहाँ पे स्नो को क्लियर करती है। दीदी, वीडियो बन रही है आपकी। तो देखिए ऐसी है यहाँ स्पीति में लाइफ। 1.5 फुट तक स्नोफॉल हो चुकी है यहाँ पर। तो देखते हैं अब आगे का सीन क्या कुछ रहेगा, क्योंकि रोड्स पे भी जो है काफी ज्यादा स्नो हो गई है, कुछ चल ही नहीं रहा है। तो आपको नजारे दिखाते हैं। और रात से अब तक स्नोफॉल होते ही जा रही है, यहाँ पे अभी तक रुकी नहीं है। और स्नोफॉल में ड्रोन उड़ाने का ट्राई किया और सक्सेसफुली उड़ा भी दिया। अब ड्रोन नजारों का आनंद उठाइए। और स्नोफॉल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो हमने सोचा क्यों ना चलो स्नोफॉल में घूम लिया जाए। ये देखिए आप, जहां हम लोग रुके हुए हैं वहां छत पे काफी ज्यादा स्नो हो गई है, तो अभी ये लोग उसको क्लियर कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं अ नॉर्मल डे इन स्पीति वैली फॉर द स्पीतियंस। और ये देखिए आप, कितनी मेहनत से रहना पड़ता है यहाँ पे, कितना संघर्ष है यहाँ पे रहने में। हम लोग तो कभी कभी के लिए आते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए डेली का होता है विंटर्स में। और ये हमारी दीदी बर्फ साफ करते हुए यहाँ पे। हाँ जी। और गाड़ियाँ देखिए, यहाँ टूरिस्ट गाड़ी कैसे फंस गई है। हाँ जी। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखिए, घुटने घुटने तक बर्फ हो रखी है। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ी मस्ती करेंगे, आपको दिखाते हैं। अल्टीमेट फन इज गोइंग ऑन हियर इन स्नो। और यही स्नो का मजा है, यही स्पीति वैली विंटर में करने का मजा है।
हेलो। और जो टेम्परेचर है वो फिलहाल -23 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और ये है विंटर स्पीति एक्सपेडिशन। और इस लड़की के पैर जो है ये बिल्कुल नम हो चुके हैं क्योंकि ये स्नो में खेल रही थी तो खून का फ्लो रुक गया था। तो फील हो रहा है? यस, वेरी बेटर, थैंक यू अंकित। ओके, नाइस। तो चलिए अब आपको थोड़ा पास में लेकर चलते हैं और स्नो स्टॉर्म से पहले वाले दिन हम लोगों ने स्पीति वैली में क्या क्या किया अब आपको वो दिखाने वाले हैं। सो गाइस, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और मौसम फिलहाल जो है क्लाउडी है। 12:30 बजे के अराउंड का प्रेडिक्शन है स्नोफॉल का। मीनवाइल हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और अपना सफर आगे जारी कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे काजा के अराउंड जो भी प्लेसेस है जो आप लोग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ वाइट हो रखा है। तो चलिए चलते हैं। और ये पेड़ों का जो नज़ारा इतना शानदार लग रहा है और जब स्नोफॉल हो जाएगी उस टाइम पे तो चार चांद लगा देगा, तो आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे। वापस आधे टाइम स्नोफॉल हमें मिल जाएगी काजा में भी, ऊपर तो हमें वैसे ही अभी थोड़े एक घंटे में मिलने वाली है। और हमें काफी महीनों का वेट करना पड़ गया स्पीति को वाइट देखने में। स्नो बहुत कम हो रही थी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बट लकीली अब हो रही है तो और भी शानदार नजारे हमें देखने को मिलेंगे। तो काजा के पास आप लोग लांगजा, हिकिम, कॉमेक, अपनी की मोनेस्ट्री, चीचम ब्रिज, कीपर विलेज को देख सकते हैं विंटर्स के अंदर, क्योंकि उस टाइम भी ये खुले रहते हैं। तो हम लोगों ने अपना जो सफर है फिलहाल वो लांगजा विलेज, जिसको द फॉसिल विलेज भी बोला जाता है, वहां के लिए शुरू कर दिया है। और लांगजा तक का जो रास्ता है उस पूरे रास्ते पर बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। देखिए आप लोग ये नजारा भी, हैरान हो जाओगे इसे देखकर। नीचे जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वो रांगरिक विलेज को जाता है, वो रास्ता भी पूरा बर्फ से ढक चुका है। अगर आपको स्पीति वैली में एडवेंचर करना है आपके पास 4x4 गाड़ी होनी चाहिए। और रास्ता मैं आपको बता दूं कि आपको जिस रास्ते पर जाना चाहिए, सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं उस रास्ते पर आप अपनी 4x4 लेकर जाइए और जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे आप उसको देख कर दंग रह जाएंगे। और जो ये ऊपर वाला रास्ता है ये चला जाएगा हिकिम और कॉमिक विलेज को, जो कि डायवर्जन है, और सामने वाला रास्ता चला जाएगा लांगजा विलेज को। काजा से लांगजा की जो दूरी है वो करीब 7 किलोमीटर दूर है और आपको नॉर्मली तो 45 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में, लेकिन आज जो है क्योंकि पूरे रास्ते पर बर्फ है तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जो अपना सफर है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू किया है, आप लोग भी वैसा ही करिए अगर आप लोगों को पांचों जगह एक ही दिन में कवर करनी है तो विंटर्स में।
विंटर स्पीति में आप लोग ध्यान रखें कि टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा माइनस में देखने को मिलेगा, -16 से लेके -25 डिग्री सेल्सियस तक आराम से पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग जो है वो कपड़े जो है लेयरिंग में ही पहने, जैसे कि हम लोगों ने डाले हुए हैं। मैंने 3 लेयरिंग की हुई है, लोगों ने 3-3 4-4 किए हुए हैं, फिर भी ठंडी लग रही है लोगों को। लग रही है? Yes. लेकिन लोगों को काफी मजा आ रहा है क्योंकि अपने आप में एक एडवेंचर है। और आप लोगों को अगर स्पीति को प्योर व्हाइट फॉर्म में देखना है तो आप लोग अब फरवरी या फिर मार्च के महीने में आए, क्योंकि वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से जो है स्नोफॉल जो है वो शिफ्ट हो गई है। पहले जनवरी में भी हो जाती थी लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी कम सीन हो गया स्नोफॉल का, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और इस वाले रास्ते पर आपको अपनी आंखें खोल के रखने की जरूरत है, क्योंकि जो स्पीति की वाइल्ड लाइफ है जैसे कि आईबैक्स हो गया, आपकी रेड फॉक्स हो गई, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ पर आपको आईबैक्स भी देखने को मिल जाएगा, तो हम लोगों को देखने को मिल गया है, तो चलिए ट्राई करते हैं उनको रिकॉर्ड करने का हमारे कैमरे में। और आपको बता दें कि आपको आईबैक्स और रेड फॉक्स जो है वो तो समर सीजन में ही मिल जाएंगे, लेकिन स्नो लेपर्ड के लिए आपको स्पेशली विंटर्स में आना होगा। और विंटर्स में क्योंकि स्पेशली जो हमारा स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन होता है वो होता है किब्बर विलेज के अंदर, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। लांगजा विलेज हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, दोबारा से हमें स्पॉट हुई है आईबैक्स, उनको दोबारा से कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो विंटर स्पीति में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है और आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो आप लोग बेटर हैं किसी ग्रुप के साथ ही आइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे कल हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पर काजा के लिए तो रास्ते में कुछ लोग बाइक पर आए हुए थे, 2 बाइकर्स का एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह भी आप लोग को सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस चीज़ एडवेंचर को अलग रखें और आपकी जो लाइफ है उसको इतने ज्यादा रिस्क पर ना डालें। तो हमारे जस्ट सामने है लांगजा विलेज और सामने वो बुद्धा जी का स्टैच्यू। दो साल पहले हम लोगों ने जब विंटर स्पीति एक्सपीडिशन किया था फेब में हम लोग आए हुए थे, लांगजा में हम लोगों ने स्टे किया था क्योंकि हमें मिल्की वे कैप्चर करना था, तो उस टाइम पे जो रोड था पक्का नहीं था, मिट्टी का बना हुआ था, तो उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता था। लेकिन फिलहाल जो है पक्का रोड बन चुका है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है लांगजा विलेज भी आना। ये आपका डाइवर्जन पॉइंट है, जो ऊपर वाला रास्ता है वो आपका हिक्की मोर कॉमिक विलेज के लिए चला जाता है और सामने वाला लांगजा विलेज के लिए।
कर लेते हैं लांजा विलेज में स्टे की, तो आपको बता दें कि विंटर्स में तो एक होम स्टे भी आपको हार्डली खुला हुआ मिलेगा लांजा विलेज के अंदर, और यहाँ पर फैसिलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो हम लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आप लोग काजा में ही रुकिए, क्योंकि वहाँ पर भी काफी लिमिटेड होम स्टेज खुले रहते हैं, लेकिन आप लोगों को फैसिलिटी वगैरह तो मिल ही जाएगी और आप लोग ठंड से बच जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लांजा विलेज, जिसको फोजिल विलेज भी बोलते हैं, और अब आगे प्रस्थान कर रहे हैं बुद्धा स्टैचू जी की ओर। तो गाड़ी हम लोगों ने यहीं पर लगा दी है और जस्ट मेरे पीछे है बुद्धा जी का स्टैचू, तो चलिए वहां तक का सफर तय करते हैं। ठंड काफी ज्यादा हो रखी है, तो अच्छे से कवर होकर आए आप, काफी अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद ठंड लग रही है स्पीति वैली के अंदर, और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये है स्पेसशिप कैफे। आपने काफी ज्यादा वीडियोज देखी होंगी इस जगह की, समर्स में ये खुला रहता है, खाने पीने के लिए आपको यहाँ जगह मिल जाएगी। और एक कैफे आगे भी है, शांति कैफे बुद्धा स्टैचू के पास, वो भी आपको दिखा देते हैं, वो भी फिलहाल बंद है। ऑलमोस्ट हर एक जो होम स्टे है यहाँ पर बंद है विंटर्स के अंदर। दो साल पहले हम लोग लारा होम स्टे में ही रुके थे, और हमने भी जो मिल्की वे है ऐसे ही कैप्चर किया था। और सामने जी हैं बुद्धा जी, और ये है दूसरा कैफे शांति कैफे, जो कि फिलहाल बंद है। देखिए हम लोग तो यहाँ कभी कभार आते हैं, लेकिन लोकल्स लोग हैं, उनका जीवन देखिए आप कितनी मेहनत करते हैं ये लोग यहाँ पर रहने के लिए, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ है। इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही पसंद है, क्योंकि जब मैं यहाँ इन लोगों के साथ बैठता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो लाइफ के बारे में काफी अच्छी चीजें जानने को मिलती हैं। तो आप लोग भी जरूर स्पीति वैली आइए और यहाँ पर होम स्टेज में जरूर रुकिए, यहाँ के कल्चर को जानिए, यहाँ के लोगों को जानिए, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोग इनकी जिंदगी का संघर्ष देखिए। हाँ जी, हाँ ठंड है, तो हमारे लिए जो एडवेंचर है वो इन लोगों के लिए डेली का लाइफस्टाइल है। तो अगर हम लोग बात करें लांजा विलेज में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो आप बुद्धा स्टैचू को तो जरूर देखिए, यहाँ से खूबसूरती को निहारिए, और यहाँ पर आप शॉर्ट हाइक भी कर सकते हैं फोजिल्स को ढूंढने के लिए। लेकिन आप तो अगर आपको फोजिल्स मिल भी जाते हैं, तो आप इन्हें इस जगह पर ही छोड़ दें, सो दैट इस जगह की महत्वता बनी रहे। ठंड वगैरह काफी ज्यादा लग रही है, तो करीब हम लोगों ने आधा घंटा यहाँ पर बिता लिया है। अब अपना सफर जो है, तो जब भी आप लोग यहाँ पर विंटर्स में आए तो अच्छी तरह से पैक होकर आए, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड लगेगी। तो चलिए अब अपना सफर आगे के लिए जारी कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कोमिकोड हिक्के विलेज। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।